नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आज आपको बिहार की फेमस मिठाई बताने वाली हूँ, जिसे बेलगाम में भी कहते हैं, जिसे छेना गजा भी कहते हैं। और ये बहुत ही फेमस मिठाई है बिहार की। और बिहार में शुरुआत जहाँ से हुई थी इस मिठाई की, वो उद्वत नगर जो है बिहार में, वहाँ से शुरुआत हुई थी इस मिठाई की। और उसके बाद में जो सासाराम बिहार है, रोहतास है, वहाँ पे भी ये बनना शुरू हो गई। और ये 400 रुपए से ऊपर भी इसकी बिक्री हो जाती है। और बड़ी ही फेमस है ये रेसिपी है बिहार में। और ये रेसिपी हमसे भी सरजीत जी ने कमेंट में पूछी है कि आप हमें इसकी रेसिपी बताइए। तो चलिए बनाते हैं बेलग्रामी, जिसे छेना गाजा भी कहा जाता है। ये 1 लीटर मैंने फुल फैट वाला दूध लिया है, तो दूध आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको बेलग्राम में बनानी हो। 3 मैंने नींबू लिए हैं साथ में, कुछ मैंने इलायची ली है, और ये 2 कप मैंने चीनी ली है। इसके बाद में एक पतीला लेंगे और पतीले में दूध को निकाल लेंगे। इस तरह पतीले में दूध को निकाल लिए हैं। गैस जलाएंगे और गैस के ऊपर पतीला रख देंगे। दूध को अच्छे से गर्म होने देंगे, उबाल आने देंगे दूध में। जब तक दूध में उबाल आ रहा है, तब तक हम नींबू का रस निकाल लेंगे, छान लेंगे ताकि बीज अलग हो जाए। तो यहाँ पे मैं 2.5 नींबू का रस निकाल रही हूँ, बाकी आधा नींबू बचा के रखेंगे। तो इस तरह रस निकाल लिया है और आधा बचा लिया है मैंने, तो ये बाद में काम में लेंगे। और ये रस तैयार है हमारा नींबू का। इसके बाद में दूध में भी उबाल आने ही वाला है, और दूध में उबाल आएगा तब हम गैस को कम कर देंगे ताकि जो दूध है वो पतीले से बाहर नहीं आए। तो ये उबाला ऊपर आ रहा है, तो अभी हम गैस को कम कर देंगे। और इसके बाद में जो नींबू का रस है वो हम डालते जाएंगे और इस तरह थोड़ा थोड़ा घुमाते जाएंगे ताकि नीचे से जले नहीं दूध, और जो हमारा छेना है वो अच्छे से तैयार हो। तो इस तरह आपको साथ में घुमाते रहना है। तो इस तरह घुमाने के बाद में फिर थोड़ा हम गैस को फुल कर लेंगे और फिर नींबू का रस जितना निकाला था वो सारा डाल देंगे। और इस तरह थोड़ा 2 से 3 मिनट हमें अच्छे से घुमा देना है ताकि छेना हमारा अच्छे से तैयार हो, पानी अलग हो जाए, छेना अलग हो जाए। तो जो हम छेना तैयार करते हैं, जो कि नींबू से तैयार करना है, और अगर हम दही से छेना तैयार करते हैं तो उसमें मिठाई अच्छी नहीं बनती, उसकी सब्जी अच्छी बनती है, जो कि पनीर बन जाता है। अगर हम दही डाल के दूध को फाड़ते हैं तो वो पनीर बनता है, वो छेना नहीं बनता। तो उसकी सब्जी हम अगर बनाते हैं तो वो अच्छी बनती है। नींबू डाल के फिर हम दूध को फाड़ते हैं, उसी को हम छेना कहते हैं। तो इसकी जो मिठाइयाँ बनती है, जैसे रसगुल्ले जो वगैरह जो हम बनाते हैं, वो सब छेने से अगर हम बनाते हैं तो वो अच्छा लगता है और अच्छा बनता है। और इसलिए नींबू से फाड़ के बेलग्रामी बनाई जाती है, जो कि छेना गोजा इसलिए इसका नाम रखा गया है। तो जो दूध हमारा है वो फट के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं छेना अलग हो गए हैं और जो दूध का पानी है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। इसके बाद में एक कपड़ा लेंगे, कपड़े पे हम छेने को डाल देंगे। बर्तन के ऊपर कपड़ा लगा लिया है मैंने, और सफ़ेद कपड़ा ही लगाए ताकि जो छेने में कलर नहीं आए कपड़े का। और इसके बाद में जो पानी है छेने का, इसे आप आटा गूंथने में तैयार काम में ले सकते हैं। और छेना हमारा कपड़े में आ चुका है और पानी अलग हो चुका है। इसके बाद में जो छेना है उस पर हम थोड़ा ठंडा पानी डाल लेंगे। ठंडा पानी डालने के बाद में एक बर्तन लिया है, उसमें बर्फ़ ली है और ठंडा पानी लिया साथ में, और उसमें हम छेने को इस तरह दबाएंगे, निकाल लेंगे। तो इससे क्या होगा, 10 से 15 मिनट में ही हमारी जो छेना है बेलग्रामी के लिए तैयार हो जाएगा। आपको 2 से 3 घंटे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर बर्फ़ के पानी में ऐसे नहीं करते हैं तो कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं छेना तैयार होने में, क्योंकि फिर पानी रह जाता है छेने में, तो फिर क्या होता है वो बेलग्रामी जो होती है वो ख़राब बनती है। तो अच्छे से दबाने के बाद में बाहरी चीज़ रख देंगे और पानी अच्छे से निकल जाना चाहिए, छेने में पानी नहीं रहना चाहिए। अभी हमारा जो छेना है वो तैयार है और
पानी निकल चुका है तो ज़्यादा पानी नहीं रखना, तो इस तरह का आपको तैयार करना है। तो ये 10 मिनट में ही छेना तैयार हो जाता है। और इसके बाद में एक जार लिए हैं, तो जार में इस तरह डाल लेंगे। आप देख सकते हैं पानी नहीं है इसमें। थाली में निकाल लेंगे, आप इस तरह का तैयार कर लें। आप चाहे तो सीधा हाथों से भी इस तरह तैयार कर सकते हैं। तो थाली में इस तरह निकाल लेंगे। तो गांठे नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल, छेना इस तरह का आपको तैयार कर लेना है। और पानी अच्छे से निकाल के फिर आप इस तरह छेना तैयार करें। अगर छेने में पानी रह जाएगा तो आपके जो बेलग्रामी है वो ख़राब हो सकती है। चाहे रसगुल्ले बनाओ चाहे बेलग्रामी बनाओ, अगर छेने में पानी ज़्यादा रह जाता है मात्रा, तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो पानी अच्छे से आप दबा के निकाल के फिर आप छेना तैयार करें। इससे आपके छेना जो है बिल्कुल अच्छा बनेगा, और जितना अच्छे से छेना बनेगा उतनी ही आपकी जो मिठाई होती है, रसगुल्ला हो चाहे बेलग्रामी हो, जो भी आप बनाते हैं वो अच्छे से बनती है। तो इस तरह हल्का हल्का घुमाते हुए जैसे हम बेसन गट्टा बनाते हैं, वैसे आपको हल्के हाथों से तैयार करके और फिर इसके बाद में हल्का हल्का इस तरह थोड़ा दबा देंगे। हल्का हल्का आपको इस तरह थोड़ा चपटा बना देना है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का इस तरह उंगलियों से दबाते हुए आपको सेट कर देना है। अभी हम कटिंग करेंगे, तो जितनी साइज आपको पसंद है उस हिसाब से आप कट लगा सकते हैं। इस तरह हम थाली में रखते जाएंगे। इस तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैंने इस तरह सेट करके रख दिए, और हल्का हल्का आप हाथों से भी सेट कर दें। बिल्कुल हल्का, ऐसे दबाना नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के उंगलियों से आपको सेट कर देना है। और जितने अच्छे से आपके छेना बनेगा उतना ही अच्छे से आपके जो बेलग्रामी है वो बन के तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं ये जो है छेनने के कारण जो पानी अगर रह जाता है छेने में ज़्यादा, तो फिर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। फिर आपकी जो बेलग्रामी बिल्कुल बिखर जाती है, जैसे हम चाशनी में डालते हैं। तो अभी ये बिखरेगी नहीं। तो अभी इस तरह रखने के बाद में 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। और अगर फ्रिज में नहीं रखते तब भी आपको 10 मिनट 15 मिनट बाहर रखना है, अगर आप फ्रिज में नहीं रख रहे तो। और अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो 10 मिनट के लिए आप फ्रिज में अवश्य रखें। तो इससे जो बेलग्रामी है हम चाशनी में डालेंगे तो ये बिखरेगी नहीं, बिल्कुल सेट रहेगी। इसके बाद में मैंने एक कढ़ाई ली है जो कि भारी तले की है, तो आप पतीला भी ले सकते हैं, लेकिन खुला बर्तन रहता है तो ठीक रहता है। तो जो भी लें आप थोड़ा भारी तले का लें। तो अभी हम इसमें चीनी डाल देंगे, पानी डाल लेंगे। तो हमने 2 कप चीनी ली है, उसके हिसाब से पानी डाल लेंगे। एक दो तीन 4 कप और ये 5 कप मैंने पानी डाला है। तो पानी हमें ज़्यादा ही लेना है, 2 कप के पीछे 5 कप पानी लेना है। तो अभी गैस चलाएंगे, देंगे गैस पे कढ़ाई को, तो अच्छे से चीनी को घुलने देंगे। अभी 10 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से जो बेलग्रामी है वो इस तरह सेट हो चुके हैं। जो चाशनी है वो आप देख सकते हैं अच्छे से उबाला आ चुका है। तो अच्छे से देखिए चीनी घुलने के बाद में, तो आप जल्दबाजी करके ठंडे पानी में बिल्कुल भी बेलग्रामी ना डालें, तो इससे जो बेलग्रामी है आपकी फट सकती है। और इसके बाद में हम एक एक करके इस तरह डालते जाएंगे, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगी। 15 से 20 मिनट अवश्य रखना चाहिए, चाहे फ्रिज में रखो चाहे फ्रिज के बाहर रखो। ये जरूर नहीं है कि आप फ्रिज में रखें, आप फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन उसे आपको तुरंत चाशनी में नहीं डालना, थोड़ा देर आपको रखना है अच्छे से सेट होने के लिए।
अगर आपने नहीं रखा और तुरंत आपने चाशनी बना के तैयार रखी और तुरंत वो आपने उसमें डाल दिया, चाहे आप रसगुल्ले बनाते हैं तो रसगुल्ला भी अगर आप सीधा चाशनी में डालेंगे तो वो बिल्कुल बिखर जाएंगे, और अगर आप बेलग्राम भी इस तरह तो तुरंत अगर डाल देंगे चाशनी में तो फिर वो भी बिखर जाएंगे। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि तुरंत आपको चाशनी में नहीं डालना, आपको 15 से 20 मिनट अवश्य रखना है सेटलमेंट के लिए। और इसके लिए आपको इसलिए बताया है क्योंकि बहुत बार कमेंट आते हैं, मैंने रसगुल्ले का वीडियो डाला हुआ है उस पे वीडियो पे कमेंट आते हैं कि हमने जैसे ही रसगुल्ला चाशनी में डाला और वो बिखर गया। तो उसमें बहुत से कारण होते हैं, या तो आपने दूध को फटने के बाद में रसगुल्ले बनाते हैं, बहुत रसगुल्ले बना लें लेकिन उस दूध को फेंक देना चाहिए क्योंकि वो दूध अगर सही होता तो फटता ही नहीं, खराब होने के कारण ही वो फटता है, तो उसको हमें काम में लेना ही नहीं चाहिए। और अगर उसके बाद में अगर आप दूध ला के फिर आप छेना तैयार करके फिर आप रसगुल्ले या बेलगड़ा भी बनाते हैं तो बिल्कुल भी आपके इस तरह अगर आपको बताया जा रहा है वैसे आप बनाते हैं तो बिल्कुल नहीं फटेंगे। तो इस तरह हमें बेलगरामी को चाशनी में डाल देना है, और एक आपको उबाला आने के बाद ही डालना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठंडे पानी में आपको बेलगरामी नहीं डालने, अच्छे से उबाला आ जाए तभी आप डालें। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी एक भी बेलगरामी जो हमारी है वो बिखरी नहीं है, फटी नहीं है। और इसके बाद में थाली से ढक्कन लगा देंगे, थोड़ा सा हम खुला रखेंगे ताकि जो चाशनी है वो बाहर नहीं आए, हल्का सा खुला रखना है। और गैस को फुल कर रखा है मैंने, और इसके बाद में 5 से 6 मिनट के बाद में वापस चेक करेंगे और थोड़ा इस तरह घुमा देंगे ताकि हमें ध्यान रहे पानी कितना है, और थोड़ा बीच में हम कर देंगे बेलग्रामी को। अभी थाली हटाएंगे और पानी जो है काफ़ी चल चुका है, तो ये 1 कप मैंने पानी लिया है जिस कप से हमने चीनी ली थी, तो हल्का हल्का करके 1 कप पानी और डाल देंगे ताकि जो बेलगरामी है वो अंदर तक पके, कच्चे नहीं रहे। तो हल्का हल्का करके हमें इस तरह 1 कप पूरा पानी डाल देना है। वापस थाली से ढक्कन लगा देंगे, तो बीच बीच में ढक्कन हटा के और पानी डालते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो 1 कप पानी लिए है उसे हल्का हल्का में चाशनी में डाल देना है ताकि चाशनी हमारी एकदम से गाढ़ी नहीं हो। अगर एकदम से गाढ़ी हो गई तो जो बेलगरामी है वो फिर अंदर से पकेगी नहीं, अंदर से कच्ची रह जाएगी, वो ज़्यादा जो है वो बन नहीं पाएगी। तो इसलिए हल्का हल्का में पानी डालना जरूरी है, आप 1 कप से थोड़ा ऊपर भी डाल सकते हैं ताकि पतली चाशनी रहेगी तब तक हमारी जो बेलगरामी है वो पक पाएगी। और जैसे हमारी चाशनी गाढ़ी हो जाएगी उसके बाद में फिर हम पका नहीं पाएंगे, ज़्यादा हम पकाएंगे तो फिर जो बेलगरामी है वो जलना शुरू हो जाती है, तो इसलिए पानी डालना जरूरी है हमें। तो इस तरह 1 कप मैंने पूरा पानी डाल दिया है, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा पानी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो चाशनी है वो गाढ़ी होने लग गई है, तो जो बेलगरामी है उसमें अलग से कोई कलर वगैरह नहीं डाला जाता, जो कलर आता है वो चाशनी जैसे जैसे पकेगी वैसे ही जो चाशनी का कलर होगा वो बेलगरामी पर आएगा। तो एक सार हमें थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है, अभी हमें थाली नहीं लगानी और ढक्कन नहीं देना लास्ट में, क्योंकि अगर ढक्कन लगा के छोड़ दिया तो पूरा फिर जल जाती है जो हमारी बेलगरामी है। तो थोड़ा थोड़ा पलटते रहना ज़रूरी है, और साइड में चीनी लगना शुरू हो गई है आप देख सकते हैं। तो इसके बाद में जब चीनी लगने लग जाए साइड में से, तो आपको आधा नींबू जो हमने बचा के रखा था वो डाल देना है, नींबू का रस निचोड़ के डालेंगे ताकि जो बीज है वो छलनी में रह जाए, और नींबू का रस डाल के और बीज को छलनी में ही रखना है ताकि बीज बीज में बिल्कुल ना आए। और नींबू डालने के बाद में अच्छे से मिलाते रहना है, और गैस की आंच को आपको कम ज़्यादा अपने सुविधा के अनुसार करना है। अगर आपको लगे ज़्यादा गैस हो गई है तो कम कर लें, अगर कम लग रही है तो आप ज़्यादा कर लें, तो अपनी सुविधा के अनुसार गैस की आंच को कम ज़्यादा करते रहें। और जो बेलगरामी है उन्हें आप एक साथ इस तरह ध्यान से पलटते रहें ताकि ये टूटे भी नहीं, और बड़ी सावधानी से आपको इस तरह आपको घुमाना है बेलगरामी को ताकि जो कलर है बेलगरामी का वो अच्छे से आए, और जितना अच्छे से आप पकाएंगे चाशनी में उतना ही अच्छे से कलर आएगा जो चाशनी का है। तो बेलगरामी को इस तरह चारों ओर से मैं पलट रही हूँ बड़ी ही ध्यान से सावधानी से ताकि जले भी नहीं, अगर एक तरफ से रह गया तो फिर जल जाएगी। और
इसलिए शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि कढ़ाई जो भी ले आप थोड़े भारी तले के लिए, क्योंकि अगर पतली कढ़ाई लेंगे तो फिर जलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह चारों ओर से आपको अच्छे से पकाना है। तो अभी मैंने गैस की आंच को फुल कर लिया है। तो आप इस तरह कम ज़्यादा अपने सुविधा से गैस करते रहें, ध्यान से आपको पकाना है, क्योंकि इतनी जो मेहनत होती है वो आप पे ही है। लास्ट में आप कितने शांतिपूर्वक को पकाते हैं बेलगरामी को, बीच में छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से आपको पकाते रहना है। तो चारों ओर से इस तरह घुमाते हुए हमें अच्छे से कलर आने तक पकाना है। जब बेलगरामी में अच्छे से कलर आ जाएगा तब हम गैस को बंद करेंगे। तो इस तरह चारों ओर से मैं घुमाते हुए पका रही हूँ। आप देख रहे हैं जैसे जैसे पक रही है वैसे वैसे बेलगरामी पे अपना ही एक कलर आ रहा है। तो इस तरह हमें चारों ओर से अच्छे से पकाना है। तो लास्ट में आपको थाली से ढक्कन नहीं लगाना, इस बात का जरूर ध्यान रखें, एक साथ चलाते रहना है, नहीं तो जल जाएगी बेलगरामी। और इसके बाद में अच्छे से जब कलर आ जाए तो गैस को बंद कर देंगे, और गैस बंद करने के बाद में 1 से 2 मिनट और पकाएंगे ताकि और अच्छा कलर आ जाए। और इसके बाद में हम इलायची के जो दाने थे मैंने तैयार करके रखे हैं, उसके बाद में हम इलायची के दाने सबसे लास्ट में डालेंगे ताकि खुशबू बनी रहे। तो ये मैं इलायची के दाने डाल दिए मैंने। और बेलगरामी बनाने में आधे से 1 घंटा लग जाता है। और इसके बाद में प्लेट में हम निकाल लेंगे, और प्लेट में थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम इस तरह रख देंगे ताकि ये एक दूसरे के चिपके नहीं, क्योंकि अभी गर्म है। और थोड़ा फैला के थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम रखेंगे तो एक साथ में ये चिपकेगी नहीं और अच्छे से ठंडी हो जाएगी। तो इस तरह प्लेट में मैं निकाल रही हूँ, और बड़ी सावधानी से, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट है फ़िलहाल, क्योंकि ये गर्म है और गर्म गर्म में ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है और ठंडा होने के बाद में थोड़ी टाइट हो जाएगी। तो इस तरह मैं थाली में निकाल रही हूँ प्लेट में, और इस तरह मैं थोड़ा ठंडा कर लूँगी। और अभी अच्छे से बेलगरामी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अभी आपको मैं तोड़ के और बता दूँ ये कैसे बनी है। तो आप देख सकते हैं अंदर तक ये अच्छे से पक गई है, अच्छे से जाली बैठ गई है। तो आप भी बनाइएगा और हमें बताइएगा आपको ये बेलगरामी कैसे लगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।